धम्मचक्र प्रवर्तन देण्याच्या पवित्र दिवशी लाखो लोक नागपुरात येतात, परंतु कधीही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत नाही। यंदा काही जणांनी आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी याचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न केला, हे योग्य नाही। न्यायालयानेही याचाच विचार करून कदाचित आदेश दिले असावेत। न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पोलीस कारवाई करीत आहे असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं। ठीक आहे, मैं इतना ही कहना चाहूंगा की धम्म चक्र प्रवर्तन दिन ये हमारे लिए एक बहुत पवित्र दिवस है। पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं। इतने बड़े पैमाने पर लोग आने के बाद कभी भी यहाँ कानून व्यवस्था का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। लोग आते हैं, भक्ति भाव के साथ दर्शन करते हैं, यहाँ पर समय बिताते हैं और लोग वापस जाते हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आने वाले लोगों का अपने राजनीतिक लाभ के लिए अगर कोई इस्तेमाल करना चाहेगा तो उचित नहीं है। उससे आने वाले लोगों के जान माल को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्टता के साथ इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं होगा इस प्रकार के आदेश दिए, और उसी के ऊपर जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्रातील ताज्या बातम्यांसाठी बघत रहा टाइम्स टुडे टीव्ही, सोबतच शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हां, बेल आयकॉन प्रेस करा।